अबे ये क्या हो गया, यहाँ तो खड़ी बस में आग लग गई है, जल्दी गाड़ी रोक 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 रोक। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर। तो आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी निकल चुके हैं अपने नए ब्लॉग की ओर को बनाने की ओर को। तो अभी आप देखिए हम कहाँ जाते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ से कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाया कि कहाँ जाना है करके। चलो अभी हम निकलते हैं, तो देखते हैं अभी कहाँ का हमारा प्लान बनता है। तो आपको दिखाते हैं, कुछ नए नए व्यूज दिखाएंगे आज आपको। हम निकल चुके हैं अभी अपनी राइड पर, तो अभी आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ पर जाते हैं। आज मौसम भी काफी अच्छा है, काफी बरसात हो रही है, काफी ठंडा। तो अभी हमने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो अभी देखते हैं हम कहाँ जाते हैं करके। तो अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा है नहीं, कोई फिक्स हमारा प्लान है नहीं कहाँ पे जाना है। तो चलो देखते हैं अभी कहाँ पहुँचते हैं, आपको दिखाएंगे आज काफी कुछ नया आज आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पे आज तो बरसात का मौसम है, तो काफी बरसात हो रही है, तो बारिश में भी कुछ घूमने का अपना अलग ही मजा है। ये देखिए काफी बारिश से यहाँ पे रोड में पानी भरा है, काफी रोडों में पानी आज भर चुका है। तो बारिश भी सुबह से काफी तेज थी, देखिए कितना पानी यहाँ पे रोडों में भर चुका है। तो अभी पैदल चलने वालों को तो काफी दिक्कत हो रही है रोड पे। आज काफी बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से तो आज काफी जगह पानी पानी भरा हुआ है। अभी ये हम कालाडूंगी रोड पे निकल चुके हैं। मौसम तो आज काफी सुहावना है, घूमने के लिए तो काफी अच्छा मौसम है आज। देखिए बारिश भी यहाँ पे काफी हो रही है, अभी भी बारिश के थोड़ा बूंदे यहाँ पे अभी भी पड़ रही हैं। अभी बारिश में कोई बारिश को देख के ऐसा लग रहा है कि बरसात स्टार्ट हो गई है। तो काफी दो तीन दिन से काफी बारिश है, तो आप देख सकते हैं कैसा पानी भरा हुआ है। लोगों को तो ऑफिस जाने आने में आजकल तो काफी दिक्कत हो रही है। दो तीन दिन से तो बहुत तेज बारिश थी, तो अभी थोड़ा सा बारिश हल्की हुई है, सुबह से तो बहुत तेज थी। कुनिया चौराहे के पास हम पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ से हम डिसाइड करेंगे अब हमें कहाँ को जाना है। तो देखिए आप देख सकते हैं आज काफी बारिश है, तो ट्रैफिक भी आज बहुत ज्यादा कम है रोड पर। और देखिए काफी बारिश यहाँ पे हो रही है आज, तो ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा कम है। अभी हम यहाँ पे अपने हिंदुस्तान टावर के पास पहुंचे हैं, तो काफी आज मजा आने वाला है क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा है आज नैनीताल रोड का। तो आप आगे अभी नैनीताल को जाने वाला रास्ता भी आज कहीं पे से टूट चुका है, तो वहाँ पे आज नैनीताल को जाने के लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं। अब आप वाया भीमताल और भवाली होते हुए नैनीताल जाएंगे। नैनीताल रोड की ओर को निकल चुके हैं, तो अभी देखिए अब हमारा प्लान नैनीताल को जाने का बना है, मगर वहाँ पे रास्ते में तो रोड आज काफी टूटी हुई है, तो रोड बंद है। तो अभी देखते हैं वहाँ से कैसे निकलते हैं, तो आपको वो भी दिखाएंगे। मौसम कितना प्यारा हो रहा है, कितनी आज कल रात से बहुत सारी बारिश हुई थी, तो अभी देखिए प्यारी सी धूप निकल के आई हुई है, तो मौसम काफी सुहावना हो चुका है। आप सामने जंगल की ओर देख सकते हैं कितना धुआं वहां से उठ रहा है, वो भी फिर से बारिश होने की संभावना है। वैसे जो व्यू है वो काफी अच्छा दिख रहा है, देख सकते हैं। हम अभी यहाँ पे शीतला माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, तो काफी मजा आ रहा है मौसम में आज घूमने का। तो आज सुबह से काफी मौसम अच्छा था, सुबह से तो काफी तेज बारिश थी, अभी थोड़ा सा बारिश बंद हुई है, तो धूप निकली है, धूप भी काफी अच्छी लग रही है अभी तो।
अभी आज 2 या 3 दिन के बाद धूप निकली है हमारे शहर हल्द्वानी में, तो अभी हम यहाँ से नैनीताल को जा रहे हैं घूमने के लिए। देखो कहाँ तक हम जाते हैं, आगे तो रोड बंद है। और ये देखिए बारिश से कितना पानी भरा हुआ है रोडों में। ये हम नैनीताल के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से नैनीताल आपका 32 किलोमीटर रानी के 82 है, भीमताल 17 किलोमीटर है। काफी यहाँ पे लंबा अभी गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, आगे रोड खराब होने के कारण काफी लंबा हमें यहाँ पे जाम लगा है, समथिंग 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। हम आधे घंटे से यहाँ पे जाम में फंसे हुए हैं। तो अभी देखिए कितना लंबा जाम है, आप देखिए हम अगर आपको उतर के दिखाते हैं, अभी 1.5 किलोमीटर लंबा जाम है, हमें भी यहाँ पे फंसे हुए समथिंग आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। तो अभी अगर को जाना तो आप काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि रोड जगह जगह पे बंद है। जो नैनीताल जाने वाले लोग हैं उन्हें वाया भीमताल होते हुए यहाँ से रूट डाइवर्ट किया गया है, तो उस वजह से काफी लंबा जाम है। और यहाँ पे भी हमारा जो भीमताल वाला पुल है वो भी टूटा हुआ है, तो यहाँ पे भी भारी वाहनों की तो नो एंट्री है। चलो देखते हैं आप भी जाके क्या। नैनीताल रोड पे बस में आग लग चुकी है, तो यहाँ पे आग लगने के कारण काफी जाम लग चुका है। देखिए आज नैनीताल रोड बंद होने के कारण यहाँ पे आज काफी ट्रैफिक कम है, नहीं तो ये नैनीताल रोड आपको फुल मिलती। आज तो वहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले खड़े हैं, साथ में सीपीयू की टीम भी खड़ी है जो ऊपर को आने से पहले ही रोक दे रहे हैं। तो आप यहाँ अगर भुजिया घाट तक आना चाहते हैं तो आपको वहाँ से आने की अनुमति है, वरना वो वहाँ पे ही रोक के आपकी गाड़ी को डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप वहाँ भीमताल होते हुए नैनीताल भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पे हमने देखा कि काफी जो यहाँ का लोकल आदमी है जो बस से आते हैं, जिनके पास अपने कोई साधन नहीं है, तो वो भी आज यहाँ पे पैदल आ रहे हैं। तो आज काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। और ये देखिए यहाँ पे भी काफी नाला आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े नाले हर जगह जगह पे आए हुए हैं, तो अभी आप देखेंगे इस वजह से यहाँ के काफी जो आगे रोड टूटी हुई है, डॉन बॉस्को स्कूल है वहाँ पे रोड टूटी हुई है, तो वहाँ पे उस वजह से यहाँ पे लोगों को आना जाना सब बंद हुआ है, सारी बसें बंद हो चुकी हैं। तो जो लोकल आदमी है जिनके पास अपना साधन बाइक साइकिल नहीं है, वो उनको सब पैदल आज यहाँ पे इतना लंबा 12 से 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, तो आज यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे से व्यू भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं देख सकते हैं आप, एक उधर सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे घूमने का व्यवस्थ बनाया हुआ है, देखिए काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ पे से आता है। ये देखिए और जितने भी यहाँ पे जंगली जानवर हैं उन सब के वो बनाए हुए हैं यहाँ पे चित्र, आप देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे हैं। ये देखिए होटल एंड रेस्टो, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन क्विजीन, साउथ क्विजीन एंड किस जोन एंड बर्ड हाउस, यहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हैं। आज तो रोड बंद है, तो इस वजह से आज वाहनों की एंट्री सब बंद है, तो अभी हम यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना भोजन पानी करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से आगे कहीं जाएंगे। आगे तो पुलिस वाले खड़े हैं, तो वहाँ पे रोड बंद है, वो जाने नहीं दे रहे हैं ऊपर को। तो जो भी नैनीताल जाने वाले हैं वो तो सब आज भीमताल होते हुए जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो गाँव में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, और हमने यहाँ पे पकौड़ी और चाय ऑर्डर की थी, तो यार देखिए आप पकौड़ी और चाय यहाँ पर आ चुकी है, तो काफ़ी टेस्टी इनकी पकौड़ी होती है और इनकी चाय भी काफ़ी अच्छी है। तो आप आइए रजवाड़ी जी के रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे आके जरूर इनकी चाय और पकौड़ी खाइएगा। ये देखिए यहाँ पे दो गांव के पास कैसे रोड टूटी है, यहाँ से आके किसी को नहीं दिया जा रहा है, लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पे लग चुकी है। निकल चुके हैं, तो अभी भुजिया घाट की ओर को निकल रहे हैं हम, तो आप देख सकते हैं काफी आज आनंद आया। आज तो रोड भी पूरी खाली थी, तो काफी मजा आया, क्योंकि अभी यहाँ पे तो रोड ऊपर दो गाँव पे बंद है, तो डॉन बॉस्को स्कूल के पास से पूरी रोड नीचे धस गई है, तो वहाँ पे अभी रोड का काम चल रहा है। मैं यहाँ का काफ़ी सुनसानी आज यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो काफ़ी हरा भरा भी मौसम है, बरसात के दिन है तो काफ़ी हरा भरा हुआ है यहाँ पे, सब आप देख सकते हैं। देखिए
सिर्फ चिड़ियाओं के अलावा किसी और चीज की आवाज नहीं आ रही है यार। तो ट्रैफिक इतना कम है कि जो चिड़ियाओं की आवाज थी वो भी आज लोगों को अच्छे से सुनाई दे रही है, चाहे प्यार की आवाज। यहाँ पे पहाड़ ऊपर से आया हुआ था तो काफी पहाड़ यहाँ पे नीचे रोड में इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, देखिए आप देख सकते हैं ऐसी जगह जगह पे बहुत सारे पत्थर आए हुए हैं, हर जगह पे रोड ब्लॉक हुई है, काफी बड़े पत्थर हैं। अगर किसी गाड़ी के ऊपर गिरे तो ये काफी नुकसान कर सकते हैं गाड़ी का। आप यहाँ पे नैनीताल रोड से आते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह जगह पे रखा है, लिखा हुआ है गति पर नियंत्रण रखें, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे भी इतना बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा हुआ है गति पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वो पहाड़ का रास्ता है तो यहाँ पे काफ़ी लोग तेज चलते हैं तो इसलिए उनके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है धीरे चलकर सफर का आनंद लें। तो आप काफ़ी अच्छा व्यू है आपको यहाँ पे, नदी नीचे नदी दिख रही है, देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे यहाँ से यहाँ का नज़ारा दिखता है आपको, ये देखिए कितना सुंदर सा आपको व्यू दिख रहा है, जहाँ तक नजरें जाएंगी सब पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये हमारे नैनीताल रोड की खासियत यही है कि आप जहाँ तक भी देखेंगे सब आपको पहाड़ी पहाड़ नज़र आएंगे और हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी, इसी वजह से इस रोड में काफ़ी ठंडा रहता है। गर्मियों के दिनों में भी इसमें नॉर्मल यहाँ का टेम्परेचर रहता है तो यहाँ पे भी काफी ठंडा रहता है। एक झरना आपको दिखाते हैं, काफी अच्छा झरना है यहाँ पे, ऊपर से बहुत ऊपर से पानी गिरता है यहाँ पे, करीब समथिंग आपका 500 फीट की ऊंचाई से यहाँ पे पानी नीचे गिरता है, तो आप इस झरने का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पे हम भुजिया घाट पे पहुंच चुके हैं, देखिए आप भुजिया घाट का नजारा देख सकते हैं, हम भुजिया घाट के पास में है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है देखिए टोस हिल करके, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे रात के टाइम पे काफी ट्रक वाले खड़े रहते हैं तो यहाँ पे काफी ये रात को 12 बजे तक खुला रहता है ट्रकों की वजह से, तो यहाँ पे रोड ये चलती हुई रोड है लगातार, रात को 12-1 बजे तक यह रोड चलती रहती है। ये हम ऊपर नैनीताल से घूम के घर को आ रहे हैं और देखिए अब हम आपका अपने घर पे पहुंचने वाले हैं। तो आज के ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिली और काफ़ी हमने आज एंजॉय किया। फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम उसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमें आपके बहुत ज़्यादा प्यार की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।